सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई नॉलेज। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ डिफरेंट चीज बताऊंगा, एक 12 कार्ट्रिज को रिफिल करना। फ्रेंड्स, ये कार्ट्रिज को रिफिल करना बहुत ही आसान होता है, आप बिल्कुल खुद से कर सकते हैं और चाहे तो दूसरे का करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसका बस एक पाउडर खरीदना पड़ता है, 120 ग्राम का समथिंग आता है, वो आपको मुश्किल से 120 रुपये पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्लायर चाहिए रहेगा, प्लास, और एक इस टाइप का कुछ टूल चाहिए होंगे नट वगैरह खोलने के लिए। तो सबसे पहले ये रहा कार्ट्रिज हमारा, इसके इस साइड दो नट बोल्ट्स होंगे, तो फ्रेंड्स ये जो दो नट बोल्ट्स है ध्यान से देख लीजिए इसको। आज मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे रिफिल करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को तो नहीं ही देखेंगे, तो इसका ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज बताऊंगा मैं। ये दो नट बोल्ट्स देख लीजिए किस टाइप के होते हैं, इन दोनों को खोलने हैं। पहले ऊपर वाला मैं खोलूंगा, आप ध्यान से इस नट को कहीं सुरक्षित जगह रख दीजिए, गुम ना हो जाए। फ्रेंड्स, गुम हो जाता है तो बड़ा दिक्कत करता है ये नट। आप ये नीचे वाले बोल्ट को खोल लें। खोलने के बाद फ्रेंड्स, ये जो ढक्कन है इस साइड, ये ढक्कन, इसको आपको धीरे से ओपन कर देना है, ऐसे लगा रहेगा, इसको ऐसे खोल देना है। खोल करके आप साइड में रख दें। अब आप इसको ऐसे कवर हटाए इसका, और फ्रेंड्स ये रहा कवर, खोलने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, देख लीजिए यहाँ से खुला हुआ है। तो अभी आपको इस ड्रम बोलते हैं, इसे जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसे ड्रम बोलते हैं, इसको हमें निकालना है अभी। और ध्यान से ये ड्रम को छुइएगा मत, भले कितना भी गंदा हो ऐसे छुइएगा मत, ठीक है, अपना क्लीन हो जाता है। आप इसे हल्का सा पुश करके इसको ऐसे ऊपर साइड निकाल दीजिएगा, इसे घुमा घुमा के अपना साइड खींचेगा, ऐसे निकल जाएगा। फ्रेंड्स, हम इधर से इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हाँ, सिंपली अच्छे से रख दीजिएगा, छुइएगा मत बिल्कुल भी, और इसे साइड में रख दीजिए। अपना पाउडर में जो वेस्ट इंक रहता है उसको ढाल लीजिए, ताकि बाद में ना मिले कपड़े पर हमारे। और आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, इस पाउडर को सोचे हमने दोबारा उठा के डाल दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, तो वेस्ट पाउडर रहता है, जब जला हुआ पाउडर खराब पाउडर रहता है। अच्छे से झाड़ लें, झाड़ने का साइड में रख लें। साइड में रखने के बाद हमें एक और काम करना है, उसके लिए टूल निकाल, हाँ फ्रेंड्स ये हमने ड्रम निकाल लिया है। अब हमें इस ये जो जो पिन है इसे निकालना है। इसे फ्रेंड्स आप सिंपली निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप कुछ पतला टाइप का चीज इस्तेमाल कर लीजिएगा, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत ही पतला है। आप इसका साइड में रख के आराम से निकाल लीजिएगा। अरे ये पिन, पिन की एक बड़ी अहमियत होती है, तो आप ना घुमाए तो भी बेहतर है। अगर साइड में रख लीजिए, घूम ना जाए, घूम जाएगा तो आपका बिल्कुल भी प्रिंट नहीं आएगा, ये मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये हो गया, अब हमें करना है ये जो दिख रहा है PCR बोलते हैं इसे, फ्रेंड्स जो आपको ये दिख रहा है ये इसको बोलते हैं PCR। ये पेपर के बीच में, पेपर और पाउडर के बीच में प्रेशर बनाता है, तो इसे हमें निकाल लेना है। निकालने के लिए आप कुछ इस टाइप का पेचकस के जैसा इस्तेमाल कीजिएगा चीज, और आप इधर देख लीजिए इसको, यहाँ इस साइड लगाइएगा, इसके ऐसे ऊपर उठा दीजिएगा, फिर ये हाथ से ही निकल जाएगा। अब इसे भी निकाल के साइड में रख, इसको भी निकाल के आप साइड में रख दीजिए। निकलने के बाद थोड़ा झाड़ दीजिए, अभी भी इसके अंदर काफी वेस्ट पाउडर। फ्रेंड्स इतना हमारा काम हो गया है,
अंदर काफी गंदगी है, ध्यान ना दे। अब हमें इसको साइड में रख देना है और एक और काम करना है, थोड़ा सा मुश्किल है बट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक पतली सी ना आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एक पतली सी कुछ सुई टाइप की चीज लेनी होगी, ठीक है। इसे करना क्या है, इसके जो साइड साइड में दो लॉक्स होते हैं उसे खोलने रहते हैं। ये लॉक इसे फ्लैप को हटाने के बाद दिखता है, ये रहा वो लॉक, इस लॉक को हमें खोलना है। एक एक लॉक इधर रहता है, इसे खोलने के लिए हमें इसके अंदर साइड देखना पड़ेगा। लॉक है इस साइड लॉक, तो आपको ये चीज दिख रही है? अरे कैमरा में यहाँ पे एक ठो हल्का सा चिपका हुआ है, एक ठो यू शेप में रहता है, हाफ सर्कल शेप में, उसके बीच में इसको डालना रहता है ताकि ये, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसे अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालिएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से ढकेल देते हैं, बढ़िया बड़ा आसान होता है, लेकिन इससे हमारा कार्ट्रिज जो है वो खराब हो जाता है। अब इसे हमेशा अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो हाफ सर्कल है उसके बीच में कुछ पॉइंट की जो शार्प चीज होती है पतली की, उसे रख के इसे पुश करेंगे तो जो आपका ये पिन है वो बाहर आने लगेगा। फ्रेंड से काफी हद तक बाहर आ चुका है, तो आप इसे प्लास्टिक से खींचने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड सियरा इसका पिन पिन भी देख लीजिए, इस टाइप का होता है। इसको भी आप साइड में रख दीजिए, हर एक पार्ट की बराबर इंपॉर्टेंस है। इसके बाद इस साइड आ जाते हैं, इस साइड में ये रहा पिन। तो अब हमें यहाँ पे भी एक ठो हाफ सर्कल दिख रहा होगा, इसके बीच में एक ठो होल टाइप का होगा जो हमें प्रेस करना है। हम उधर पिन लगा देते हैं और फिर प्रेस करेंगे। थोड़ा सा बाहर आ गया है तो हम इसे इससे आराम से प्लास से खींच सकते हैं। ये दूसरी पिन ये भी आ चुकी है बाहर, तो अब इन दोनों को साथ में पकड़िएगा, इसे हल्के से आराम से निकाल दीजिएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये पिन ना निकल जाए, एचपी के ओरिजिनल कार्ट्रिज में एक ही पिन होती है एक साइड में, बाकी जो दूसरे ब्रांड के आते हैं उसमें दो पिन यहाँ पे होती है दोनों साइड में, तो साइड में रख लेते हैं। तो बारी आती है इस हिस्से को, अब साइड में ही रखे, अब इस हिस्से में हमें काम करना है, ताकि इन दोनों पार्ट्स को भी साइड साइड में रख दे,
मैनेज करके पूरा काम कर रहा है अच्छे से दिमाग के लिए, पूरा बड़ा पार्ट है गुम हो जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा बहुत। फोटो एक साइड कर लीजिए, हम बारी आती है इसकी, हम फिर से नट खोलना है तो हमें कुछ थोड़ा मोटा टाइप का साइड सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद फ्रंट से जो पिन है उसे ऐसे नीचे दबा के ऐसे निकाल लेना है ऊपर साइड, और इसे ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड ऐसे लगाना भी है, लगाना है तो ठीक है, इसे निकाल करके साइड में रख लीजिए। इसके बाद ये फ्लैप है ना, ये फ्लैप इसको नीचे साइड पीछे साइड करके निकाल लीजिए, इसको भी साइड में रख दीजिए और वो हमें काम करना है इस पे। अभी जो ये ब्लेड है वाइपर ब्लेड है, ये जो ड्रम का पाउडर आता है उसको साफ करता है, इसे हमें खोल के एक बार पोंछ लेना है। तो खोलने के लिए जो यहाँ नट है इसको खोलना है, इस नट को भी आप साइड में रख दीजिए और एक मिनट साहब से ध्यान से देख लीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है या कुछ प्रिंटिंग क्वालिटी में इश्यू आती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। अब हम इस जो वाइपर ब्लेड है इसे उठाएंगे, निकाल लेंगे तो साइड में रख लीजिए। फ्रेंड्स अब ये गंदा है, इसे हमें साफ कर लेना है, तो आप जो कपड़ा है उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा कोई सा भी। इस ब्लेड को साफ कर लीजिए, पूरी अच्छी तरह से हमने देख साफ कर लिया है इसे, ऐसे आप साइड में इसे भी साइड में रख दीजिए। साइड में रखने के बाद ये रहा उसका नीचे वाला हिस्सा, देख लीजिए इसके ऊपर वाइपर ब्लेड लगा हुआ था, इसे भी आप झाड़ के साफ कर लीजिए। इधर ही जो सारा वेस्ट पार्ट है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, झाड़ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ से ज्यादा जोर से मत झाड़िएगा ना टूट जाएगा, तो थोड़ा पोंछ लीजिए। अब इसे भी हम साइड कर लेंगे, ठीक है। अब जो बारी आती है, अब बारी आती है रिफिल करने की, रिफिल करने से पहले आप डॉक्टर ब्लेड को लगा लें ताकि एक काम जो है पूरा हो जाएगा। अब डॉक्टर ब्लेड को आराम से वाइपर ब्लेड को आप यहाँ पे रख दीजिए, रखने के बाद यहाँ नट बोल्ट लगा के टाइट कर दीजिए इसे। फ्रेंड्स मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल करके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। एक मिनट को पहले आधा लगा लीजिए, फिर दूसरे मिनट लगाइएगा,
इसे क्या है जो बराबर से ये फिट हो जाएगा। से टाइट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स ये हमने वाइपर ग्रेड तो लगा दिया है और हम इसका जो फ्लैप होता है इसे भी लगा देते हैं। फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सके, तो ध्यान से देखिएगा, सेफ पोस्ट लीजिएगा। थोड़ा पोछने के बाद आप इधर इसको इस टाइप से रहेगा, देख लीजिए, इसको ऐसे लगा दीजिएगा दोनों साइड से बराबर। अब देखिएगा गोल गोल है, इसको इसमें फिट कर दीजिएगा, इस साइड है इसमें ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिट होने के बाद आपने जो यहाँ पिन निकाली थी, इस टाइप की पिन थी, तो आप देख लीजिए कैसे लगाना है। ऐसे निकाली थी आपने तो ऐसे ही हमें लगा देनी है। ये हो गया, आप इसको ऐसे लॉक कर दीजिए, क्या ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ये हमारा हिस्सा कंप्लीट हो गया, साइड में कर दीजिए। अब जो हमारा मेन हिस्सा है जिसका हमें मेन काम करना है वो है ये इधर इसका, यहाँ हमें इंक डालना है। इसे भी थोड़ा पोंछ लेते हैं, काफी बॉर्डर लगा है तो पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद इस साइड, सॉरी इस साइड जहाँ पे एक ब्लेड जैसा दिया हुआ है उस साइड के नट बोल्ट को खोलना है, दबा के ये नट हम निकाल लेंगे। इस नट बोल्ट को निकालने के बाद साइड में रख लीजिए। फिर आप ध्यान रखिए जो मैग्नेटिक रॉड इसे बोलते हैं, जो ये दिख रहा है जो पाउडर चिपका हुआ है, इसको आप दबा दीजिएगा थोड़ा हाथ से। दबाने के बाद इसको आप पुल कीजिएगा अपने साइड आराम से, इसे ढक्कन कुछ इस टाइप का होता है, ढक्कन को साइड में रख दीजिएगा। और ये स्प्रिंग जो देख रहे हैं वो टूटना नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक छोटा सा कवर टाइप का लगा रहता है, इसको निकाल दीजिएगा, निकलने लायक होगा तो, नहीं निकलने लायक होगा तो सिर्फ लगे रहने दीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कहीं गिर ना जाए। तो हम इसे लगा अभी लगे रहने देते हैं क्योंकि निकलने वाला नहीं है, इसका स्प्रिंग जो है तो उसकी उलझा हुआ है। तो यार ध्यान रखिएगा इसका जो स्प्रिंग है वो टूटना नहीं चाहिए। अब इसे अच्छे से अंदर साइड दबा के रखें। इसके बाद ये रहा जो वो ढक्कन जिसे हमें खोल के रिफिल करना है, तो आप इसे ओपन कर दीजिए इस कैप को। और जो भी इसके अंदर पाउडर है आप झाड़ लीजिए अगर पुराना पाउडर होगा तो। झाड़ने के बाद अभी आपको इसमें पाउडर रिफिल करना है, इसे आप साइड में रख दीजिए। अब हमें एक पाउडर मार्केट से खरीद लेनी है और उसे रिफिल कर लेना है। तो ये रहा पाउडर का बोतल, इस पाउडर को हमें इसमें डालना है। तो उसके लिए हम कुछ इस टाइप का बोतल ले लीजिएगा, उसे आप डाल दीजिएगा, नहीं तो अब हम इधर इसमें रिफिल करेंगे। आप ध्यान रखिएगा ये मैग्नेटिक रॉड निकल ना जाए, निकल जाएगी तो खराब नहीं होएगा, आप इसे लगा सकते हैं लेकिन लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप इसे ना ही निकाले तो बेटर रहेगा। आप इसको इसमें आप रिफिल कर दें अच्छी तरह से।
फ्रेंड्स ये पूरी तरह से इसके अंदर पाउडर जा चुका है। इधर इंक डालने के बाद आप ढक्कन को बंद करना ना भूले, नहीं तो आप गलती से इसके सारे इंक जो हमने रिफिल की है इसकी आपसे गिरा देंगे। आप इसे अच्छी तरह से ढक्कन से बंद कर दीजिएगा। और इसका जो कैप था इस टाइप का आपसे निकाल दीजिए। आप देखिएगा फ्रेंड्स ये डी शेप का रहता है, यहाँ पे भी डी शेप का रहता है, आप मिला के लगाइएगा। मैंने छुआ नहीं था तो मैं सिंपल इसे लगा दूंगा देख के थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा ये ब्लेड बाहर तक आ जाए और आप जो डी शेप का है वो यहाँ निकल के यहाँ बाहर साइड में आ जाए। आप इसे हल्का हल्का थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, नट बोल्ट लगा दीजिएगा। अब इसे नट लगा के टाइट कर दीजिएगा। टाइटली आप से फिट कर दीजिएगा, पोंछ लीजिए, हल्का हल्का साइड से पोंछ लीजिए। पोंछने को ऐसे साइड में रखिए। अब हमें इसे वापस से जोड़ना है, जस्ट रिवर्स करना है इसका। जो ये वाला हिस्सा है जिसमें हमने वाइपर ब्लेड वगैरह साफ करके लगाया था, इसे हम अब इसे जोड़ देंगे। ये रहा ये दोनों हिस्सा। देखिए ये जो ये है इन दोनों को इसमें जो दिया हुआ है इसमें इसमें डालना है इधर, तो आप इसे ऐसे करके ऐसे डालिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। धीरे से लॉक होने के बाद हमें इसमें लॉक लगाना है। लॉक लगाने के लिए फ्लैप को आप हटा दीजिए। यहाँ पे आपको एक होल दिखेगा, इस होल में एडजस्ट कर लीजिए होल को और पिन लगा दीजिए। पिन होगा, इस पिन को आप इसमें लगा दीजिए। एक लॉक हमें इधर लगाना है, तब से सेट कर लीजिएगा देख के। अच्छी तरह दबा दीजिएगा तो ये भी क्या पूरी तरह लॉक हो चुका है।
ये होने के बाद अब मैं इसे पीसीआर था हमारा इसको लगाना है। तो याद रखिए जो लॉन्ग साइड रहेगी वो उस साइड रहेगी, शॉर्ट साइड रहेगी छोटी सी जो निकली हुई है वो इस साइड रहेगी। आप पहले उस साइड इसको आराम से रख दीजिए और यहाँ से प्रेस कर दीजिए तो लॉक होने का एक आवाज आएगा। इसके बाद आप इसको हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए, ये हो गया। अब हमें जो ये पिन थी इस पिन को लगानी है, जो पिन थी इसको लगानी है, हम लगाना है हमें। सब साइड में रख दीजिए कुछ, तो यहाँ फंसाना है ऐसे, यहाँ से पकड़ के यहाँ इसके लॉक के पास ऐसे रिलीज कर देना है। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लग चुका है। होने के बाद बारी आती है ड्रम की। ड्रम को कैसे लगाना है, आप इधर पर लगाइएगा ऐसे कि आप इस साइड आ जाइए, हल्का सा इसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो होल है उसमें घुस जाए। होल में घुसने के बाद आप इसे प्रेस कर दीजिएगा अच्छी तरह से। नीचे साइड से इस टाइप से लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो बाहर आ जाता है आप टेंशन ना ले, आप इसको नॉर्मल पुश करके लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा जो ये ड्रम है तो अच्छी तरह से नीचे साइड दबा दीजिएगा, ऊपर साइड नहीं रहना चाहिए, पेपर बीच में फंस जाएगा। ये हो गया, यहाँ पिन भी लग गया, हमारा कार्टेज लगभग पूरा हो चुका है। इस तरह से इसको लगा के इसको बंद कर दिए, कर दीजिए हल्का सा प्रेस कर दीजिए। इसके बाद से हमें इसे टाइट कर देना है। बस समय से हल्का सा दबा दीजिए थोड़ा सा, दबाने का पहले आप ये बीच वाला नट लगा दीजिए। इसे आप टाइट कर लीजिए, तो ज्यादा भी टाइट मत कीजिएगा नहीं तो नट है सर गिर जाता है, बाद में रिफिल करने में प्रॉब्लम आता है। फ्रेंड्स ये हो चुका है टाइट, तो हम थोड़ा अपने कार्पेज को साफ कर लेते हैं, सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। ये हमारा कार्ट्रिज जो पूरी तरह से रिफिल हो गया है, तो अब मैं इसका एक टेस्ट पेज प्रिंट करके भी दिखाऊंगा आप लोग के सामने। ऐसा कोई भी नहीं दिखाता लेकिन मैं अभी आपके सामने एक लाइव टेस्ट पेज निकाल के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये रिफिल करने के बाद इसे थोड़ा ऊपर नीचे हिला लीजिएगा ताकि जो पाउडर है वो अच्छी तरह से बराबर हर जगह फैल जाए। फ्रेंड्स मैं अभी इसे ओपन कर रहा हूँ प्रिंटर को, इसमें मैं इस कार्टेज को चेक करूंगा रिफिल होने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं ये कार्टेज को बस इंसर्ट कर रहा हूँ प्रिंटर में, अच्छे से इसे लगा के प्रिंटर के ढक्कन को बंद कर दीजिएगा। तो अभी हम इसका टेस्ट पेज प्रिंट करेंगे, हम स्कैनर में ओके दबाएंगे और राइट करेंगे, रिपोर्ट्स में जाके ओके दबाएंगे, तभी टेस्ट पेज प्रिंट होगा।
देखते हैं कैसा है ये टेस्ट पेज। फ्रेंड्स आप इस टेस्ट पेज की क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी है इस टेस्ट पेज की, बिल्कुल दाग धब्बे नहीं है, मतलब हमारी रिफिलिंग बहुत ही अच्छी तरह से पूरी हो गई है।